हेलो एवरीवन, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स पियर्सन आईडी फाउंडेशन से मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा नंबर्स। क्या है बताइए? नंबर्स। इसमें हम शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, और जहाँ जहाँ जैसी थ्योरी ज़रूरत पड़ेगी उस थ्योरी को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। बोला है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन चॉइसेस। चार ऑप्शन है जिसमें एक ऑप्शन सही होगा उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3-डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 3, 5 and 7 विदाउट रिपीटेशन। 3, 5 और 7 लेना है। इन तीन डिजिट्स का इस्तेमाल करके हमारा डेसिमल सिस्टम में कितने सारे जो हमारा सिस्टम है हिंदू अरबिक सिस्टम में उसमें कितने हमारे डिजिट्स होते हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं से नंबर्स बनते हैं, और हमको सिर्फ 3, 5 और 7 इस्तेमाल करना है, और एक डिजिट को रिपीट नहीं करना है। दैट इज़ 3 और 3 दो बार नहीं आ सकता, सिंगल आएगा, ठीक है। तो कितने तरीके से हम 3 डिजिट के नंबर्स को लिख सकते हैं? क्वेश्चन में द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5 and 7 विदाउट रिपीटेशन। तो अगर मैं हंड्रेड्स डिजिट में 3 लूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं 57, और ये क्या हो जाएगा? 75। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हंड्रेड्स डिजिट में क्या किया? 3 लिया। अब अगर हंड्रेड्स डिजिट में क्या लूँ? 5 लूँ तो बचेगा कौन? 3 और 7, चूँकि रिपीट तो नहीं कर सकते हैं। 37, और ये क्या हो जाएगा? 73। हंड्रेड्स डिजिट में अगर 7 लें तो क्या हो जाएगा? 35, और ये हो जाएगा 53। इस तरीके से हम तीन तरीके से चीज़ों को किए, क्या क्या? एक बार 3 लेके हंड्रेड्स डिजिट में, एक बार 5 लेके, एक बार 7 लेके, और हर एक में दो दो तरीके से नंबर को हम लिख सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। दैट इज़ टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? 6। तो आंसर होगा 6, और ऑप्शन किस में है? 6 ऑप्शन हमारा डी में, ठीक है। दैट मीन्स 3, 5 और 7 को अगर हम रिपीट ना करें तो इससे 3 डिजिट के नंबर्स हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, 6 नंबर्स बनेंगे, ओके। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी, 6, ओके। चलिए, बहुत आसान। सेकंड क्या बोला है? द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 100, 100 का सक्सेसर क्या होगा? उसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 101। प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 99। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? तो 100 का सक्सेसर 101, 100 का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब एक पहले, और सक्सेसर मतलब एक बाद में। तो एक बाद में 101 आया और एक पहले 99 आया, दोनों का सम कितना आया? 200, ओके। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके। इतनी बात तो आपको समझ आ रही है। चलिए, दो क्वेश्चन हमने बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स फाउंड बाय ऑल द डिजिट्स 2, 3, 5 and 7। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा? 7, 5, 3, 2। और लोएस्ट नंबर कौन होगा? 2, 3, 5, 7। इसको हम इसमें कुछ ए भी माने नहीं ना, तो इसका जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा? 5, 12, 7, 1, 5, 1, 7, 5, क्योंकि हमारा 5, 1, 7, 5, देख लीजिएगा करके। तो यहाँ पे हमारा ये जो बोला है ये एक्स वाई जेड एक्स का फॉर्म में जो डिफरेंस है 2, 3, 5, 7 का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, जो 2, 3, 5, 7 से बनने वाला ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो आया हमारा एक्स वाई जेड एक्स। एक्स के प्लेस में 5 आया, वाई के प्लेस में 1, जेड के प्लेस में 7, और एक्स के प्लेस में 5, मतलब फर्स्ट और लास्ट, मतलब 10, 100, 1 डिजिट और 1000 डिजिट सेम है। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 5। एक्स ही मांगा है, तो यहाँ से अगर हम रिलेट करके देखें तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया? एक्स हमारा निकल के आया 5, ठीक है, बहुत ईजी है। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर कौन है? 9999। सक्सेसर मतलब उसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो 10,000 में कितने डिजिट्स हो गए? 5, तो हमारा 5 आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा, बी ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा हो गया 5। उतार लीजिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर फोर तक हमने कर दिया, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव। ए इज अ थ्री डिजिट नंबर एंड बी इज द नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए। ए इज थ्री डिजिट नंबर। अब तीन डिजिट नंबर हमारे पास, मान लेते हैं कि हमने 320 मान लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, और बी बोला है कि इसको रिवर्स कर देना डिजिट को, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3। और क्वेश्चन में कह दिया है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ऐसा लिखा है, बी छोटा है ए से, ए बी से बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से एक नंबर दिया। कोई भी आप नंबर उठा सकते हैं जिसमें ए बी से बड़ा हो। ओके, रिवर्स भी कर दिया, अब ए माइनस बी करना है। अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11-3 8, 11-2 9, और ये क्या हो जाएगा 2-1 1। तो आप कोई और दूसरा नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं। तो इसके टेंस डिजिट में क्वेश्चन में कह रहा है द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हमारा ए माइनस बी आया, ए माइनस बी के टेंस प्लेस में क्या आया 9, तो आंसर हमारा 9 होगा। क्लियर है, क्या आंसर होगा 9, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ए अरब के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब अरब कैसे समझेंगे आप, जैसे मैं बोलूँ 10, तो ये 10 हो गया। अगर मैं 100 बोलूँ, 10 मतलब 10 पे पावर 1, 100 और 10 पे पावर 2, ये 100 हो गया, इसको हम 10 बोलेंगे, ये क्या हो गया 100। उसके बाद अगर हम 10 पे पावर 3 करें 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 पे पावर 4, 1 पर 4 0, तो ये हो जाएगा लाख। 10 पे पावर 5, ये क्या हो जाएगा 10 लाख। फिर 10 पे पावर 6, फिर लाख के बाद क्या आएगा करोड़। 10 पे पावर 7, ये हो जाएगा 10 करोड़। 10 पे पावर 8, क्या हो जाएगा अरब, ठीक है। तो अरब में क्या हो जाएगा 10 पे पावर 8। मैंने कुछ गलत किया क्या, 10, 100, 1000, 10,000 छूट गया हमारा। ये क्या होगा हमारा 10,000, ये क्या होगा लाख, और ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, ये होगा करोड़, और ये क्या हो जाएगा 10 करोड़। फिर 10 पे पावर 9, क्या आ जाएगा हमारा अरब। फिर 10 पे पावर 10, 10 अरब। फिर 10 पे पावर 11, 1 खरब। तो 10 पे पावर 9 हो गया, 10 पे पावर 10, ये हो जाएगा 10 अरब। कितना अरब 10 अरब। 10 पे पावर 11, ये हो जाएगा खरब। तो ये बात समझ पा रहे हैं ना, 1 पर 2 0 होने से 10 पे पावर 2, 10 × 10 100 होता है ना, 100 को लिख सकते हैं हम लोग ना 10 × 10, इतना तो समझ ही रहे ना, 10 पे पावर 2 हो गया, बार बार मल्टीप्लीकेशन से पावर में आ जाता है। 10 पे पावर 3 मतलब 1 पर 3 0, 1000। 10 पे पावर 4 मतलब 1 पर 4 0, 10,000। 10 पे पावर 5 लाख। 10 पे पावर 6 10 लाख। 10 पे पावर 7 करोड़। 10 पे पावर 8 10 करोड़। 10 पे पावर 9 अरब। 10 पे पावर 10 10 अरब। 10 पे पावर 11 खरब। तो यहाँ पे आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, अरब भी हो गया, खरब भी हो गया। एक गूगल याद रखना है, तो बी में बोला है महासमुंद्रम, बी में क्या बोला है महासमुद्रम, जो भी है ना, ये 10 पे पावर 52 आपको याद रखना है, कितना होता है 10 पे पावर 52। सी तो हमारा खराब हो गया, तो सी यहाँ से हमारा मैच कर जाएगा। और एक याद रखना है डी गूगल, एक जो गूगल होता है ये याद रखना है, 10 पे पावर कितना होता है 100, मतलब 1 पर अगर 100 0 आप डाल दें तो होगा गूगल, ठीक है। और 1 पर 11 0 डालेंगे तो क्या होगा खरब, और 1 पर 9 0 डालेंगे तो होगा अरब, ठीक है। महासमुंद्रम 1 पर 52 0 52 0 अगर डालेंगे तो महासमुद्रम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको शायद समझ आ गया होगा। 10 पे पावर 4 का मतलब 1 पर 4 0, 10 पे पावर 5 का मतलब 1 पर 5 0, 10 पे पावर 9 का मतलब 1 पर 9 0, और उसको हम अरब कहते हैं। 1 पर अगर 11 0 हो जाए तो वो खरब हो जाएगा, 1 पर 52 0 हो जाए तो महासमुद्रम हो जाएगा, 1 पर 100 0 हो जाए तो उसको गूगल बोलेंगे। 7 नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -36। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आप बोलें तो इस तरीके से हम उसका सिंबल दें, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, तो जब भी मॉड्यूलस होता है तो आपको याद रखना है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो -36 का अगर हमको पॉजिटिव करना है तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। या यूँ ही याद रखें कि -36 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 36 होगा, और 36 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 36, और जीरो का जीरो, ठीक है। 8 नंबर, 8 में क्या बोला है, -7 - -8। तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आएगा, -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आएगा, बट बीच में क्या है माइनस,
8 माइनस सेवन क्या होता है 1, तो 7 माइनस 8 क्या होगा माइनस 1। अब यूँ सोचें 7 रुपया 8 रुपया खर्च करना है तो 1 रुपया उधार रह जाएगा। ओके तो ये कहानी है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 प्लस माइनस 8 माइनस 7, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ना 4 प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस 8 माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा माइनस 15, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होने से ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होने से ऐड होगा, दोनों पॉजिटिव होने से पॉजिटिव में आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव होने से नेगेटिव में आंसर आएगा। अब बताइए 15 माइनस 4 कितना होता है 11, अब 4 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 11, सिंपल, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 6। दो इंटीजर है, एक इंटीजर को हम x मान लेते हैं, दूसरा इंटीजर को y मान लेते हैं, और दोनों का सम माइनस 6 है, नेगेटिव 6 है, एंड वन ऑफ देम इज 7। किसी एक को 7 ले लेते हैं, तो y को हम 7 ले लिए और यहाँ नेगेटिव 6 है। अब देखिए हमको बोला है कि दूसरा वाला कौन होगा, क्या होगा, दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव 6 गिवन है। जैसे मैं बोलूँ दो इंटीजर्स का सम हमारे पास 7 है, एक है 3, तो दूसरा क्या होना पड़ेगा 4। उसी तरीके से यहाँ पे 7 में क्या ऐड करें कि नेगेटिव 6 होगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम 7 हटा देते हैं, इधर भी 7 हटा दिए, इधर भी 7 हटा दिए, 7 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव 6, नेगेटिव 7 कितना हो जाएगा नेगेटिव 13। दैट इज़ नेगेटिव 13 को अगर हम 7 से ऐड करें तो कितना आएगा, देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करेगा वैल्यू डिक्रीज होगा, 13 माइनस 7 क्या होगा 6, और बड़ा कौन है 13, उससे पीछे माइनस लगा होता है माइनस 6। दैट इज़ 7 को अगर नेगेटिव 13 से ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव 6 होगा, तो आंसर होगा हमारा नेगेटिव 13। क्या आंसर होगा नेगेटिव 13। ओके बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, ये फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ये मैं एग्जाम बता रहा हूँ आपको, ये सही वाला है, लेकिन जो लिखा है आपकी किताब में जो ऑप्शन है वो क्या है फॉल्स है। द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव, द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर मान लो माइनस 2 है और सम 3 से ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव 2 को हम 3 से अगर ऐड करें तो नेगेटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर से ऐड कर रहे हैं, बताइए कितना आएगा नेगेटिव 2 प्लस 3, अगर हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या होगा डिक्रीज होगा वैल्यू 1 आएगा, और 3 बड़ा है उससे पहले प्लस लगा हुआ तो प्लस पॉजिटिव आंसर होगा, और अगर हम नेगेटिव 3 प्लस 2 करें तो क्या होगा अभी भी डिक्रीज होगा 1 आंसर आएगा, लेकिन बड़ा कौन है 3, उससे पहले माइनस लगा तो नेगेटिव 1 आंसर होगा। अगर हम नेगेटिव 3 लें और पॉजिटिव 3 लें तो आंसर क्या आएगा 0, मतलब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का सम नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, दोनों सेम होगा तो 0 आंसर होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि बोला है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड टू नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए क्या होगा पॉजिटिव 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 ही रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, सारा मिलके पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है हमारा, यही आंसर होगा। डी में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट एनी नंबर ऑफ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंटीजर जितना भी करें, नेगेटिव नेगेटिव कितना आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव 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 क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ बोल रहा है कि कोई भी अब नेगेटिव, कितने सारे नेगेटिव इंटीजर्स ले लें उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन ट्रू है। ओके कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कौन सा नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हिच द फॉलोइंग इज ट्रू, ए में बोला है नेगेटिव 12 प्लस नेगेटिव 15, सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 12 प्लस माइनस माइनस, अब दोनों नेगेटिव ऐड होगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव में आंसर होगा। बी, बी में क्या बोला है, नेगेटिव 16 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट हटा दीजिए वही रहेगा, ये हो जाएगा
निगेटिव 28, दोनों निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में ही आएगा और ऐड हो जाएगा। निगेटिव 14 माइनस निगेटिव 12, ये है ना। अब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, डिक्रीज होगा वैल्यू, टू आंसर होगा, बट बड़ा कौन है 14, तो माइनस निगेटिव टू आंसर होगा। ए बी सी आ गया। पहला ऑप्शन क्या है, बी सी ए, बी बड़ा है सी, बी सी से बड़ा है फिर सी ए से बड़ा है, ठीक है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब बी देखिए, बी हमारा निगेटिव 28 और सी क्या है हमारे पास निगेटिव 2 और ए कौन है निगेटिव 27। बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो निगेटिव 2 है ना, लेकिन निगेटिव 28 लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। बी, बी में क्या बोला, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए और बी का सम निगेटिव 27 प्लस बी निगेटिव 28, सी क्या है हमारा, सी है निगेटिव 2, दोनों प्लस माइनस माइनस होगा और तो एक निगेटिव 55, निगेटिव 2 बड़ा होगा लेकिन उल्टा लिखा है, तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ओके। सी में क्या बोला है, सी ए बी, सी क्या है निगेटिव 2, ए क्या है हमारा निगेटिव 27, सबसे बड़ा कौन है निगेटिव 2, जो सबसे छोटा होता है निगेटिव में वही सबसे बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है, जो सबसे बड़ा होता है निगेटिव में सबसे छोटा होता है, तो ये हो गया हमारा सही है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट क्या है, ए बी सी, तो गलत हो गया, आप खुद कर सकते हैं। सी देखिए, सी निगेटिव 2 सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है, उससे छोटा ए है, उससे छोटा मान निगेटिव 20, तो बस यहाँ बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, तब सही होता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। डन, 12 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू, 14 डिवाइडेड बाई, थोड़ी क्या बोला है, 14 डिवाइडेड बाई माइनस 2, 14 डिवाइडेड बाई माइनस निगेटिव 2, ये बोला है हमारा 7, ठीक है। ये एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, आप याद रखें जो डिवीजन है वो इन्वर्स ऑपरेशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव का जो प्रोडक्ट है वही वाली चीज़ इस्तेमाल होगी, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव आंसर क्या आना चाहिए, निगेटिव, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। निगेटिव 14 डिवाइडेड बाई 2 निगेटिव 7, ये ट्रू है, क्यों, देखिए क्या हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव 14 डिवाइडेड बाई निगेटिव 2, ये आ रहा है हमारा 7, देखिए निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी सही है। ऑप्शन में बोला है ए बी, वो तो खुद कर सकते, कौन कौन सही हुआ हमारा, बी सी, तो यहाँ पे हमारा बी सी बी में सही है, ठीक है। 14 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इफ देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस देन रिजल्ट इज, अब अगर माइनस निगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ड्रॉप हुआ 4 डिग्री सेल्सियस का, मतलब और नीचे गया, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस और नीचे गया, तो आंसर होगा -14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें बोला है माइनस निगेटिव 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है, तो 14 का जो ए है वो फॉल्स हो गया। बी, 525 मीटर सी लेवल, 525 मीटर अबव सी लेवल, ऊपर के लिए हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं बट यहाँ निगेटिव इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। सी, निगेटिव 5 माइनस निगेटिव 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, निगेटिव 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, निगेटिव 3 का 3 होगा, बीच में माइनस है, तो आंसर क्या होगा 2, और यहाँ लिखा निगेटिव 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू, बिल्कुल गलत है, ओके। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज नेवर लेस देन द इंटीजर इटसेल्फ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज नेवर लेस देन द इंटीजर इटसेल्फ, तो डी में आते हैं, डी में बोला है, ये भी तो फॉल्स ही हो गया ना, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कोई भी इंटीजर, जैसे मैं लिखूँ निगेटिव 3 का क्या आएगा 3, इससे छोटा तो नहीं आया ना, 3 का क्या आएगा 3 और 0 का 0, तो याद रहे एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालेंगे तो उस इंटीजर से, जैसे निगेटिव 3 से तो छोटा नहीं है ना, ये 3 से ये छोटा नहीं है, 0 से ये छोटा नहीं है, जिसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे उससे छोटा उसका क्या नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, उससे बड़ा होता है, जैसे निगेटिव 3 से बड़ा है 3 और 3 के इक्वल है और 0 के इक्वल है, तो निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाता है और 0 का 0, मतलब छोटा नहीं होता है, ठीक है।
तो डी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज नेवर लेस देन द इंटीजर इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट है। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ए क्या बोल है, अब मैच कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बस। -2, -3, -5 नेगेटिव में आंसर आएगा, सब मल्टीप्ली के यहाँ कुछ भी अगर देख रहे हैं ना, कुछ नहीं लिखा होता है, मल्टीप्लाइड है। 3 × 6 = 35 तो -30 होगा। -, -, +, जो आंसर आया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आया, ठीक है। तो अब मिला लीजिएगा 6 - 2 -2 -3 मल्टीप्लाइड है ये, -, -, +, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 = 12 = 36 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। -15, -2 अब तो कर ही लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाइड है -, -, +, तो आंसर होगा 30। डी -2, -9, -2, -2 नेगेटिव में आंसर आएगा 9 × 36 -36। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिएगा, ओके। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी बना के इसको फिनिश करते हैं। अब बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है कुछ, अब बोर्ड मार्क्स जानते होंगे। 16 ही है ये, होगा 8 - 3 - 2 ये वेनिकुलम है। क्या ये वेनिकुलम भी एक तरह का ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट में क्या है हमारा 3 - 2 तो आंसर होगा 1 और 8 - 1 = 7। इससे इजी क्वेश्चन कुछ है क्या, 6 / 3 + 4 बोर्ड मास में एडिशन और अगर डिवीजन दोनों है तो पहले डिवीजन होता है, 6 / 3 कितना होगा 2, 2 + 4 कितना हो गया 6। बहुत इजी है, अगर कहीं गलती हो तो आप खुद ठीक कर लें, क्योंकि बहुत इजी है ना। 5 × 2 + 4 अब एडिशन मल्टीप्लीकेशन पहले कौन होता है, मल्टीप्लीकेशन, 5 × 2 = 10 + 4 क्या होगा 14, ईजी। 19, 9 × -13 -13 ठीक है, क्या हो जाएगा 93, 117, 9 + 2 = 11 तो आंसर नेगेटिव में आंसर आएगा, जुट जाएगा -130 ठीक है। 19 तक हो गया, अब आते हैं 20 में, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, सब आपको आता ही होगा, तभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 15 / 3 = 5 - 10 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करके 5 आएगा, चूंकि पहले डिवीजन ही होगा, इंटू 5 - 10 अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 25 - 10 क्या होगा आंसर 15, एकदम सजा हुआ है, बिल्कुल इजी किया हुआ है ये, ठीक है। 21 में आते हैं, 5 / 5 / 5 अब इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर हम मैच कर लेते हैं पहले। 20 का ए सही है, 21 का बी 1/5 अब देखिए, मैं अगर इसको डिवाइड पहले कर दूं, 5 / 5 कितना हो जाएगा 1/5 क्या हो जाएगा 1/5 और ये अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, नहीं वो तो 1 आ जाएगा, तो आपको यहां पे ऐसे ही करना पड़ेगा। 5 / 5 कितना आ गया हमारा 1, 1/5 आंसर के हिसाब से तो यही हमारा सही है। इसका कोई वे अगर आप जाने तो मुझे बताएं, इस तरह से कुछ और आ जाएगा। 5 / अगर यहाँ मैं 5 / 5 पहले करूँ, ये तब पहले कर सकते थे, अगर ये ऐसा होता, यहाँ ब्रैकेट होता, तब आंसर होता हमारा 1 और ये आंसर 5 आता, ठीक है। तो ऐसा होने से आपको शुरू से ही करना है, ठीक है, वरना अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ होता, तो 5 / 5 पहले क्या करते हैं 1 आता, और 5 को 1 से डिवाइड करने से 5 आंसर होता, तो 1/5 हमारा सही आंसर है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 21 तक हो गया, 22 विच द फॉलोइंग इज फॉल्स, 2 × 7 - 7 22 का 1 फॉल्स कौन है, 2 × 7 - 7 = 0 बोला था, तो सॉल्व करते हैं, 7 × 14 पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, -7 कितना आएगा 7, यही फॉल्स है हमारा। बी 2 + 3 × 2 = 10 दिया हुआ है, तो पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 3 × 6 = 6 कितना हो जाएगा 8, ये भी हमारा फॉल्स हो गया, चूँकि 10 यहाँ दिया है। सी 16 / 8 + 8 = 1 तो 16 × 8 = 2, 2 + 8 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। एक्चुअली ये क्या किया होगा, 8 × 8 = 16, 16 × 16 = 1 नहीं, यहाँ पहले हमारा क्या होगा डिवीजन होगा ना, तो ये भी फॉल्स है, तो सारे के सारे फॉल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। चलिए 22 हो गया हमारा,
23. क्या बोले भैया, फॉलोइंग इज ट्रू. 23 का फर्स्ट कौन ट्रू है, 4 divide 4 plus 1 equal to 2. तो पहले डिवाइड होगा, 4 by 4 1 1 plus 1 क्या होगा 2, तो ये हमारा ट्रू. ऑप्शन बी 5 minus 2 into 3 equal to 9. बोले मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 दून 6 6 5 हो जाएगा, नेगेटिव 1 होगा आंसर. ठीक है, लेकिन 9 बोला है तो ये फॉल्स हो गया, तो आंसर होगा ए ऑनली. क्या होगा ए, ये फॉल्स हो गया ना, देखिए ना 9 दिया है, हमारा नेगेटिव 1 आंसर है, तो फॉल्स होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा. 24 क्या है हमारे पास, 24 है फर्स्ट नंबर, मैच करना है भाई, तो ये मैं करा दे रहा हूँ, बस मैच आप खुद कर लीजिएगा. 3 into 2 minus 8 divide 4. तो देखिए 3 into 2 पहले डिवीज़न होगा, 2 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 minus 2, आंसर क्या होगा 4. देख लीजिएगा 4 हमारा ऑप्शन आर में मैच कर रहा है. बी में क्या बोला है, 4 divided by 2 plus 3 into 4. तो पहले डिवीज़न 2 हो जाएगा प्लस 3 into 4, और मल्टीप्लीकेशन 3 चौक 12, 12 2 कितना हो गया 14. ऑप्शन पी मैच कर रहा है. सी में आ जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, पॉज करके आप उतार लीजिए अगर आपको उतारना है तो. 18 minus 9 divide 3 into 5. पहले डिवीज़न, तो 9 को 3 से डिवाइड कितना आ जाएगा 3 into 5. अब क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 3 5 15, तो आंसर कितना हो गया 3. ख़त्म. और लास्ट क्या, डी, डी हम कर देते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा ये फिनिश. डी क्या है, 72 minus 15 into 20 divide 5. तो क्या हो जाएगा 72 minus 15 into, पहले डिवीज़न, 20 को 5 से डिवाइड कितना 4, कितना हो जाएगा 15 चौक 60, मल्टीप्लीकेशन, अब सब्ट्रैक्शन होगा 2, सब पे जाइए 12 आंसर होगा. कितना आंसर होगा 12, जो कि ऑप्शन क्यू में मैच कर रहा है. तो 24 के सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, और मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने सारे थे, मैंने सारे डिटेल समझाने की कोशिश की. अगर समझने में आपको परेशानी हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं. ये था हमारा फर्स्ट क्लास, क्लास 6 पियर्सन से. ओके, और अपने दोस्तों को आप शेयर कर दें, अगर आप जानते हैं कि यहाँ पियर्सन की पढ़ाई होती है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, इससे दूसरे को भी फ़ायदा होगा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.